नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ शिव कुमार आपका दोस्त। माई टाइटल इज ए लाफ्टर योगा। हा हा हा। और मेरा तकिया कलाम है मतलब जो है आज मकर संक्रांति का पावन दिन है। मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा भारतीय त्योहार है जो सौर चक्रों के अनुसार मनाया जाता है। भगवान सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बड़ा त्योहार माना गया है। आज के दिन सभी पवित्र नदियों में स्नान, दान, जाप करने का विशेष महत्व है। आज के दिन काला तिल, तिल से बने हुए लड्डू और खिचड़ी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार देश के अलग अलग देशों हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरला में इस त्योहार को पोंगल, असम में बिहू और कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के पास जाते हैं। उस समय शनि देव मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। महाभारत काल में भीष्म पिता ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। आज के दिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है और उनसे अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा देवता सूरज देवता है। संक्रांति का त्योहार सभी को अंधेरे में रोशनी की तरफ बढ़ने को प्रेरणा देता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भी भगवान सूर्य को भोग लगाते हैं। आज के दिन खिचड़ी का दान विशेष रूप से किया जाता है, जिस कारण इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भी प्रकृति करवट बदलती है। आज के दिन कई जगह गुजरात वगैरह में पतंग भी उड़ाई जाती है। मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन किसान अपनी फसल काटते हैं। भले ही देश में मकर संक्रांति अलग अलग नाम से मनाते हों, लेकिन इसके पीछे छुपी भावना सबकी एक ही है, वो है कि शांति और अमन की। हम सभी इस अंधेरे में रोशनी के रूप में मनाते हैं। इसी आशा के साथ आपको का ये वर्ष मंगलमय हो और भगवान सूर्य आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई हो। हा 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 हा।